अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप फ्री से होंगे। वेलकम टू बैक माई चैनल। ड्रामा सीरीज शिद्दत, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा बन चुका है, आने वाली एपिसोड में आप लोग कहने जा रहे हैं कि अब यहाँ पर सुल्तान ने तो एक दिन से दो शिकार किए और असरा को तो ताने मार मार कर उसका जीना हराम कर देगा। असर में हकीकत में तो ये खुद अब असरा को बहुत याद करता है, लेकिन असरा वापस आ जाएगी। लेकिन ये फिर सलाखी खेल कर असरा को वापस ले आता है और असरा को ये भी कहता है कि आइंदा ख्याल रखना कि तुम्हारी आवाज़ मेरी आवाज़ से ऊँची ना हो। अब असरे ने भी फैसला कर लिया है कि वो सिर्फ वही करेगी जो सुल्तान उसे कहेगा। लेकिन असरे को पता नहीं क्यों हर वक्त अपनी बेइज्जती करवाने का बहुत शौक है, हालांकि वो सिर्फ इग्नोर करने के लायक है। अब वो उसकी बहन को कहेगी कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं बहुत अमीर हूँ, लेकिन नहीं, मैं अपनी अमीरी से तुम्हारी बाई की मोहब्बत को तो खरीद नहीं सकी। ये सब सुनकर भाला का रवैया भी उसके साथ शायद ठीक हो जाए। अब सरवर साहब भी अपनी अम्मी से कहेंगे कि आपको इस तरह सुल्तान के आगे नहीं झुकना चाहिए था। अभी वो पता नहीं असरा के साथ कैसा सलूक करेगा। वो कहेगी कि असरा ने भी फैसला कर लिया है कि वो सुल्तान की मर्जी के आगे अपने आप को ढहार लेगी। अब वो पूरी तरह सास का रोल अदा करेगा और असरा को ताने देगा और ये भी कहेगा कि शायद लगता है कि तुम अपने घर अम्मी लोगों पर बोझ थी, तभी तुम्हारी अम्मी ने मेरी मिन्नत करी। असरा कहेगी कि इस तरह शादीशुदा लड़की अगर मर के चली जाए तो वो माँ बाप पर बोझ ही बन जाती है। अब सुल्तान इसे आजमाएगा और तरह तरह की हरकतें करेगा, लेकिन अब असरा ने भी फैसला कर लिया है कि वो पीछे नहीं हटेगी। मजीद ड्रामा प्रोमो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ में लगी बेल प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बसानी पहुंचता रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।